मैं थोड़ा सा लगट के सोच रहा हूं, इन साहित्यकारों क्या हो गया है, ये क्या लिख रहे हैं? आप जब बाजार के अंदर आप जाते हो, आपकी रुचि का व्यंजन नहीं मिलेगा तो आप खाओगे क्या? आप शाकाहारी हो, आपको मांसाहार परोसा जाएगा। आप किसी और, आप साउथ इंडियन हो, आपको उत्तर भारत का दे दीजिएगा, पेट भरेगा क्या? अर्थात जो आपकी रुचि की चीज है वो लिखी क्यों नहीं जा रही? मैं जब विश्व हिंदी सम्मेलन में गया न्यूयॉर्क, मैंने वहां ये बात करी, मैंने कहा आप लिखते क्या हो, कविता क्या है? एक सज्जन खड़े हुए, कविता षष्ठी है, व्यष्टि है, समष्टि है, लष्टि है, मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आई क्या बात है। मैं उनको ये कहा, मैंने कहा देखिए आज अगर कविता कविता माखनलाल चतुर्वेदी की भी तो कविताएं हुआ करती थी, रामधारी सिंह दिनकर क्या कवि नहीं थे, और राम नरेश शुक्ल क्या कवि नहीं थे, जिन्होंने हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे 50 करोड़ परिवारों के अंदर आज तक गाई जा रही, लिख क्यों नहीं रहे हम लोग? हम हमारा दोष मान रहा हूं मैं तो, जो आगे आकर के साहित्य रच रहे। अब आपके हाथ में ये, हम ये जो है ना लॉ आपके हाथ में देने का प्रयत्न कर रहे हैं। हुआ क्या, एक बार ट्रेन के अंदर बैठे थे लोग, तो दो जने थे, तो एक ने कहा दूसरे को आप कौन है, तो उसने कहा मैं कवि हूं, आप बोले मैं बहरा हूं। उसने रिस्क लिए ही नहीं, उसने कहा ये 8 घंटे तक मेरी ऐसी तैसी कहेगा, अभी चाय पिला पिला करके और मेरे को कविताएं सुना सुना करके परेशान कर दे। तो आप देखो हमने कविता का कितना बुरा हाल कर दिया है, हमने बहुत गम में रखी कहा है कविता को, खुद ही पता नहीं क्यों तो लिखते हैं और क्यों सामने वालों को सुनाते हैं। अरे भाई जो आदमी के सामने आप सुना रहे हो, क्या वह उसको सुनने की उसमें उत्कंठा है, क्या उसका भाव उस चीज को सुनने के लिए तैयार है? अगर वो दुख में है तो उसको दुख की बात आप करेंगे, वो प्रसन्नता है तो उसके अंदर आप दुख की बात करने लग जाओगे। एक सज्जन ने को दूसरे को फोन किया कि और भाई क्या हाल चाल है, उससे कहा अभी अभी बाद में बात, क्यों क्या हुआ? बोले मैं शमशान में हूं, फादर की डेथ हो गई है, बाद में बात करूंगा। अच्छा, फादर डेथ, और तो सब बढ़िया। अरे और क्या बढ़िया हो गया ऐसे, उसमें तो बेचारा उसमें गम के अंदर बैठा हुआ है। तो आप जो जो चीज चाहिए वो दो ना, आप वो चाहिए ही नहीं आप देते चले जा रहे। मैं बताऊं कि अब अच्छा कविता, मैं जैसे आपने बताई कविता लिखना क्यों चालू हुआ, मेरा हिंदी विषय नहीं रहा ठीक है, और उसके बाद मेरे को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था 2007 में। अब कि लिखने के लिए आप लोगों को ये एक मैं जानकारी देना चाह रहा हूं कि कोई भी लिख सकता है, तो मेरे पास हिंदी विषय रहा नहीं, लिखने लगे कविताएं लिखी शुरू में, फिर राजकमल वालों